जो दूसरा निर्णय किया है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से जुड़ा हुआ है। स्मार्ट सिटीज के बारे में आप जानते हैं और स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत सन 2018 में सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट इंटेग्रेट एंड सस्टेन CITIIS 1.0 कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत उस समय 12 चयनित शहरों में स्मार्ट स्कूल्स, ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर, बायोडायवर्सिटी पार्क आदि जैसे इनोवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इसके जो ये कार्यक्रम चल रहा है, अब इसके चलते आज सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन CITIIS 2.0 शुरू करने की घोषणा की गई है, निर्णय किया गया है। इसके कंपोनेंट्स CITIIS 1.0 की तरह तीन कंपोनेंट ही रहेंगे, लेकिन इसके ऊपर खर्चा जो है वो 1866 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्चा आएगा। अब ये तीन कंपोनेंट्स में पहले कंपोनेंट के अंतर्गत कंपटीशन के आधार पर 18 शहरों को का चयन किया जाएगा और इन शहरों में सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित प्रोजेक्ट्स, जिसमें इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट को फोकस किया जाएगा और इसके लिए फंडिंग भी उपलब्ध करवाई जाएगी। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या राज्य की सरकार या लोकल बॉडी, अर्बन लोकल बॉडी, वो 20% पैसा देगी, भारत सरकार 80% पैसा देगी। पहाड़ी राज्य एवं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 10% वो देंगे, 90% भारत सरकार पैसा देगी। और दूसरे कंपोनेंट के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा स्टेट क्लाइमेट सेंटर और क्लाइमेट डेटा ऑब्जर्वेटरीज, क्लाइमेट एक्शन प्लान आदि जैसे स्टेट लेवल क्लाइमेट इनिशिएटिव्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तीसरा, ये जो तीसरा कंपोनेंट है, इसके अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स को क्लाइमेट गवर्नेंस में कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु 106 करोड़ रुपए का ग्रांट उपलब्ध करवाई जाएगी। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से हमारी सर्कुलर इकोनॉमी और क्लीनर सिटीज के अभियान को बढ़ावा मिलेगा। यह कार्यक्रम हम 4 वर्ष के लिए लागू कर रहे हैं, 2023 से लेकर सन 2027 तक यह जारी रहेगा और इंटीग्रेटेड अर्बन मैनेजमेंट को बढ़ावा इससे मिलेगा। हमारी अर्बन लोकल बॉडीज को भी इससे बल मिलेगा, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी होगी और हम आज की और भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्लीनर एंड ग्रीन सिटीज देने का जो एक संकल्प लेके चले, उस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। स्वच्छ और सुंदर हमारे शहर भी हो और सर्कुलर इकोनॉमीज के चलते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके, उस दिशा में कदम उठाए गए। धन्यवाद। क्वेश्चन थ्री। 110 लक्ष्मण रॉय।